हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल शिल्पज एडुकेशन। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए मोहित तापड़िया। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक का पूरा रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन ऑफ अ सिंगल सिंगल टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है मीडियन। आज हम मीडियन टॉपिक को पूरा रिवाइज करेंगे, उसके कुछ सम्स देखेंगे और इतना कर लेंगे कि आप एग्जाम में मीडियन को 100% अटेम्प्ट करके आओगे, राइट इनफ। तो चलिए चालू करेंगे हम आज का हमारा टॉपिक बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। आज के हमारा टॉपिक का नाम रहने वाला है मीडियन। आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने आपके लिए मैक्सिमम सारा कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में डाल दिया है। तो स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो को पूरा संभाले, वीडियो को बीच में छोड़े ना, और आपको मैं गारंटी देता हूं कि ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग जो बेसिक टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मीडियन। मीडियन को डिनोट किया जाता है कैपिटल एम, राइट। कैपिटल एम से मीडियन को डिनोट किया जाता है। अब मीडियन का बेसिक मीनिंग क्या होता है? मीडियन का मीनिंग होता है सेंट्रल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। एक पूरे डेटा के सबसे बीच वाले पार्ट को, सबसे बीच वाले ऑब्जर्वेशन को कहा जाता है मीडियन। हमेशा बच्चा लोग ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में मीडियन निकालने को कहा जाए तो दो चीज आपको करनी पड़ेगी। सबसे पहले उस डेटा को आप अरेंज करिए। क्या करेंगे भैया? सबसे पहले उस डेटा को आप अरेंज करिए, और अगर उस डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी हो, मतलब वो ग्रुप्ड डेटा हो, तो आपको सीएफआई भी बनानी चाहिए। तो दो चीज हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले हमें डेटा को अरेंज करना है। किस ऑर्डर में अरेंज करना है? वैसे तो ऑनेस्टली असेंडिंग ऑर्डर करिए, डिसेंडिंग ऑर्डर करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं चाहूंगा असेंडिंग ही करिए। क्यों? आगे बताऊंगा, राइट। आपका काम रहेगा, आपको अपने डेटा को अरेंज करना है, और अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो आपको उस फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, जिसे हम बोलते हैं सीएफआई, ठीक है। ये हमारे बेसिक मीडियन का आइडिया रहेगा। जब भी हमें मीडियन कहा जाएगा, मीडियन का बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इट इज द सेंट्रल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। उसके लिए हमें क्या करना है? उसे पहले अरेंज करना और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। चलिए अब बात करते हैं भैया मीडियन के फॉर्मूले क्या क्या है, कैसे कैसे फॉर्मूलेज है। तो मैंने आपके लिए पूरे फॉर्मूले का एक चार्ट बना के रखा है। आपको देखो आपकी स्क्रीन पे दिख गया है, पूरा फॉर्मूले का चार्ट है। इस फॉर्मूले के चार्ट का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो इसको कॉपी कर लो, जैसा आपको पसंद है, आपकी सेवा में हाजिर है। मैं कोशिश करूंगा कि इस चार्ट के एक लिंक आपके लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आप आराम से उससे डाउनलोड कर लीजिए, तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, मेरी पूरी मेहनत आपके लिए है सर, राइट। तो चलिए अब इस चार्ट के अंदर आपको इजीली मैंने कैटेगराइज किया, यहाँ पे तीन तरह के डेटाज होते हैं। सबसे पहला होता है अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा इज ए पर्टिकुलर डेटा वेयर देयर इज नो फ्रीक्वेंसी, ऐसे डेटा जिनमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। दूसरा है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस एक तरीके से ग्रुप डेटा के पार्ट है। डिस्क्रीट में भी फ्रीक्वेंसी होती है, कंटिन्यूस में भी फ्रीक्वेंसी होती है। फर्क क्या होता है? डिस्क्रीट में सिंगल सिंगल ऑब्जर्वेशन के सामने सिंगल सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, जबकि कंटिन्यूस डेटा के अंदर क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी होती है। दोनों केस में फ्रीक्वेंसी रहेगी ही रहेगी। मैंने इनके फॉर्मुलेज आपके लिए कैटेगराइज कर रखे हैं। अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है N+1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। आगे सम करूंगा तब और क्लैरिटी आएगी। डिस्क्रीट का भी लगभग लगभग फॉर्मूला सेम रहता है, बट सम में थोड़ा सा एप्लीकेशन चेंज हो जाता है, और कंटिन्यूस के फॉर्मूले में +1 हट जाता है। यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले डालने पड़ते हैं। पहला फॉर्मूला होगा जिससे आपको मीडियन क्लास मिलेगी, दैट इज एन अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, और दूसरा फॉर्मूला होगा जिससे आपको उस मीडियन क्लास में से अपना मीडियन मिलेगा, जो फॉर्मूला होता है L+N/2 CFI/FI(C). कैसे अप्लाई करना है, कैसे सम्स में अप्लाई करेंगे, वो सब मैं सिखाऊंगा, टेंशन ना ले। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रख लीजिए, हमेशा ये येलो कलर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। पहला पॉइंट क्या रहेगा? हमेशा हमेशा अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। मैं अभी भी एक बात बताऊंगा, सर असेंडिंग करिए डिसेंडिंग करिए, आंसर सेम रहेगा, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा असेंडिंग करिए, क्योंकि उससे आगे के टॉपिक में आपको शायद थोड़ी सी इजीनेस फील होगी, राइट। वरना क्या होता है, मैं सिर्फ असेंडिंग लिखता हूँ तो कुछ बच्चे कॉमेंट में लिखते हैं आपको किसने सीए बना दिया सर, आपको पता नहीं कि डिसेंडिंग में भी आंसर वही आता है। अरे बच्चा जी मुझे पता है, बट मैं किसी रीजन से बोल रहा हूँ कि प्लीज असेंडिंग करिए। इसके बाद में सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी, जो मैंने ऊपर भी लिखी थी, आपको सीएफआई बनाना है। जहां कहीं भी फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगी, आपको सीएफआई 100% बनाना रहेगा, ठीक है बच्चा। तो चलिए ये हमारे बेसिक फॉर्मूले रह गए, मैंने कहा है आपको इन फॉर्मूले को कॉपी करना रहेगा। मैं कोशिश करूंगा इसकी पूरी की पूरी एक इमेज आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप आराम से डाउनलोड कर लीजिए, बट इसे आप अच्छे से अच्छी जगह पे सेव कर लीजिए, एग्जाम के टाइम पे लास्ट टाइम के रिवीजन के लिए दिस चार्ट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग हमारे आज के जॉब से। हमें आपको कुछ सम्स कराता हूं, इन सम्स में ऊपर वाले सारे के सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, सो टेंशन ना लीजिएगा। स्टार्टिंग विद द वेरी 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 फर्स्ट सम, एकदम सिंपल सा नया सा सम करते हैं हम।
इस क्वेश्चन में हमें कहा गया द नंबर ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फैक्ट्री इन डिफरेंट वीक्स आर गिवन एज फॉलोज। हमें निकालना है मीडियन प्रोडक्शन, हमें निकालना है मीडियन प्रोडक्शन। बहुत सिंपल काम है, सबसे पहले क्या करना है, अरेंज। तो चलिए हम सबसे पहले अपने गिवन डेटा को अरेंज करेंगे, ठीक है बच्चा। अरेंज करने के लिए आपको छोटे से लेके बड़े, मैंने कहा था असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मैं अरेंज करना स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला 55, दूसरा 63, देन 68, देन 72, उसके बाद में 80, और 80 दो बार आ रहे हैं भैया, उसके बाद में 85 आ रहा है, देन 90 आ रहा है, एंड फाइनली 92 आ रहा है, राइट। एक बार फिर से कंफर्म भी कर लीजिएगा, एग्जाम में गलती हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ पे है, तो यहाँ भी चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स इज रिड्यूस्ड इतनी सी मेहनत से, राइट। चलिए हमें पता चल गया हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 9। हमारा फॉर्मूला हम पुट ऑन करेंगे, दैट एम इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या था हमने ऊपर देखा था, दैट इज एन प्लस वन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, एन प्लस वन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, वेर एन इज 9 प्लस 1 अपॉन 2, दैट इज 10 अपॉन 2, एंड दैट इज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। हमारा आंसर रहेगा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है वो आपका मीडियन है। गिनते कौन सा है, 1 2 3 4, एंड दिस इज फिफ्थ। अपना फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है भैया, 80 है, देयरफॉर योर एम इज इक्वल टू 80, दिस इज योर फाइनल आंसर। आपका मीडियन कितना आ गया बच्चा, आपका मीडियन आ गया है 80। सिंपल एंड फाइनल, डन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इतना इजी नहीं पूछेंगे, तो भी अगर बाय चांस पूछे तो दिस इज फॉर यू पीपल। चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ में। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा थोड़ा सा टफ इलस्ट्रेशन आएगा, और मैंने सारे के सारे फॉर्मूले कवर किए इलस्ट्रेशन के अंदर, सो टेंशन मत लीजिए, खाली यहाँ फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए सेकेंड इलस्ट्रेशन में वापस से हमें दिया हुआ है कि भैया एक हॉकर के 10 दिन के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं, हमें वापस से इस प्रॉफिट का मीडियन निकालना है। स्टार्ट करेंगे, हमारा बेसिक काम, सबसे पहला काम है हमें डेटा को करना है अरेंज। चलिए सर डेटा को अरेंज करते हैं। सबसे पहला आएगा 249, दूसरा आएगा 255.5, तीसरा है 257, देन 258.5, उसके बाद में 260, उसके बाद में 261.5, देन 262.5, देन 264, उसके बाद में 265, एंड आखिरी बच रहा है 267। ठीक है भैया, हमने अरेंज किया, वापस से कंफर्म करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां भी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए डन 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 है, हमारा परफेक्ट है फिलहाल तक। अब फॉर्मूला पुट ऑन करना है, इसमें एक नई चीज आएगी, इसमें एक नई चीज आएगी। ऊपर वाले में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे 9, मतलब इट वाज अ ऑड नंबर। ऑड नंबर हो तो सम इजी होता है, बट अब की बार हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 10, मतलब इवन नंबर है। इवन नंबर होगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, टफ जैसा नहीं है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ेगी। चलिए मैं सॉल्व करूंगा, एम इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला अगेन, हमारा फॉर्मूला होता है एन प्लस वन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, ठीक है भैया। चलिए एन कितना है मेरा, 10 प्लस 1 बाई 2, मतलब 11 बाई 2, इसका मतलब आ गया 5.5 ऑब्जर्वेशन, 5.5 ऑब्जर्वेशन। अब मजे की बात ये होगी, आप मुझे पूछोगे सर ये 5.5 कैसे निकाले, 5 पता है, 6 पता है, 5.5 क्या होगा। तो सर 5.5 मतलब होता है 5 और 6 का एवरेज, मतलब आपको क्या करना होगा, फिफ्थ और सिक्स ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाल दो। ढूंढते हैं कौन सा है फिफ्थ, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये रहा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन दैट इज 260, ये रहा सिक्स ऑब्जर्वेशन दैट इज 261.5। हमें इन दोनों का एवरेज करना है, तो 5.5 का मतलब होता है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास फिफ्थ ऑब्जर्वेशन था 260, हमारे पास सिक्स ऑब्जर्वेशन है 261.5, और हम कर देंगे इसको डिवाइडेड बाय 2, मेरा आंसर आ जाएगा 260.75, दिस इज माय मीडियन। ये हो गया भैया मेरा मीडियन, सिंपल है एकदम। ये क्या हो जाता है भैया, ये हो जाता है मेरा मीडियन। दिस इज वेरी 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 इजी, आई होप यू पीपल आर एंजॉयिंग इट, आई होप आप लोग को इजी लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अनग्रुप डेटा खत्म, अब बात करते हैं ग्रुप डेटा। मैंने कहा था ग्रुप डेटा में दो होते हैं, पहला था डिस्क्रीट। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे
डिस्क्रीट के साथ में कि डिस्क्रीट को किस तरह से करना है। चलिए आ जाइए सर कंप्यूटर जी, हमारे सामने अगला क्वेश्चन पेश किया जाए और यह है इलस्ट्रेशन नंबर 20 आपकी अपनी टेक्स्ट बुक का। ओके, हम इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा और आपको पता है, नहीं दिखे तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल लीजिए, उसका इलस्ट्रेशन नंबर 20 ही है, राइट। सो अगर आप लोग मोबाइल फोन पे पढ़ रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज इसको स्क्रीन कास्ट करिए, अपने टीवी में या लैपटॉप में देखिए, ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट। मोबाइल फोन पे पढ़ना आई डोंट रिकमेंड, राइट। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 20 में हमें दे रखा है नंबर ऑफ एब्सेंट डेज ऑफ ए स्टूडेंट, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4, 5, और हमें दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज 8, 12, 18, 9, 5 एंड 1। अब मैंने आपको कहा था सबसे पहले आपको अपने ऑब्जर्वेशन को अरेंज करना है, यहाँ पे तो सर हमारा ऑब्जर्वेशन अरेंज है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, डन है। अब हमारा काम है, हमें फ्रीक्वेंसी दी है तो उस फ्रीक्वेंसी के हमें निकालनी है CFI। अब आप चाहो तो ये पूरा का पूरा वापस से एग्जाम के टर्म्स में आपको पूरा क्वेश्चन कॉपी करना है, राइट। सो मैं भी करता हूं आपके साथ साथ में। सो सबसे पहला हो जाएगा मेरा एक्स, दैट इज माई ऑब्जर्वेशन, दैट इज 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, मैंने मेरे ऑब्जर्वेशन लिखे। इसके बाद में मेरा काम होगा फ्रीक्वेंसी लिखना, विच इज 8, 12, 18, 9, 5 एंड 1। अब मैंने कहा था मैं फ्रीक्वेंसी का निकालूंगा CFI, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें हमें सब फ्रीक्वेंसीज को एक एक करके ऐड करना है। पहले लिखूंगा 8, देन 8 प्लस 12 20, देन 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 9 47, 47 प्लस 5 52, एंड 52 प्लस 1 53। लास्ट CFI का और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होगा। अगेन आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो कि आपने कुछ गड़बड़ी नहीं की है। चलिए CFI निकल गया, यहाँ पे मोस्टली आपका सम हो जाता है, गलती मत करना CFI कैलकुलेशन के अंदर, राइट। तो नहीं चलेगा, CFI कैलकुलेशन मस्ट बी प्रॉपर, राइट बच्चा। चलिए सो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है मीडियन का, मीडियन इज इक्वल टू हमारा बेसिक फॉर्मूला N+1/2th ऑब्जर्वेशन, राइट। चलिए यहाँ पे एन कितना है बच्चा, मेरा मेरा एन है 53 + 1/2, दैट इज 54/2, एंड योर आंसर इज 27 ऑब्जर्वेशन। क्या आंसर आ गया बच्चा मेरा, मेरा एम आ गया है 27 ऑब्जर्वेशन। अब मजे की बात यह है, आप पूछोगे सर 27 ऑब्जर्वेशन कैसे पता चलेगा, कुछ नहीं करने का है, चेक करो CFI। CFI में 27 किन दोनों के बीच में आ रहा है सर, वो आ रहा है 20 और 38 के बीच में, तो नीचे वाले के सामने वाला हो जाता है आपका मीडियन, मतलब आपका मीडियन हो गया है यहाँ पे 2, दैट्स इट। आपका मीडियन क्या हो गया है, आपका मीडियन हो जाता है 2, और यहाँ पे आपका डिस्क्रीट कैटेगरी का सम भी हो गया। हंसते खेलते हमने डिस्क्रीट कैटेगरी का सम भी कंप्लीट कर दिया है। मैं बिल्कुल फास्ट नहीं हूँ सर, आई एम डूइंग वेरी वेरी स्लोली, राइट। मैं बहुत अपने एकदम स्लो पेस पे जा रहा हूँ, जिससे आपको बिल्कुल बिल्कुल भी डिफिकल्टी ना हो, ठीक है बच्चा। सो ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 20, जहां पे हम लोगों ने इजीली डिस्क्रीट वाले क्वेश्चन को फिनिश कर दिया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, एक और डिस्क्रीट का सम कर लेते हैं, ज्यादा मेहनत उसमें भी नहीं होगी, वो भी सिंपल ही होगा, फिर भी चलो लगे हाथ कर लेते हैं, कोई मेहनत नहीं लगने वाली इसमें ज्यादा। आप लोग को अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा इलस्ट्रेशन नंबर 21। ओके फाइन, वापस से उसमें मुझे क्या करना है, एज यूजुअल मुझे सबसे पहले निकालना है एक्स। मैं सेम का सेम क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूं, दैट इज 10, 11, 12, 13 एंड 14, डन है। फिर मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसीज जो वापस से सेम क्वेश्चन में दी हुई है, दैट इज 5, 7, 8, 15 एंड 5। अब मैं यहाँ लिखने वाला हूँ CFI। CFI क्या होता था बच्चा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। स्टार्ट करेंगे, पहला आ जाएगा 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 15 35 एंड 35 प्लस 5 40। मैंने कहा था चाहो तो वेरीफाई कर लेना, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा CFI का लास्ट होगा ही होगा, ठीक है बच्चा। ओके फाइन, चलिए अब इसके अंदर थोड़ी सी सिंपल सी काम चालू करेंगे हम लोग, वापस से हमारा बेसिक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा नया 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 काम शायद हमें करने की बारी आएगी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है। चलिए सो मेरा काम अब इस तरह से स्टार्ट होगा, माई फॉर्मूला इज एम इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है भैया, N+1/2th ऑब्जर्वेशन, जहां पे एन हो जाता है 20, मतलब 20 प्लस 1/2th ऑब्जर्वेशन, मतलब 41/2, योर आंसर इज 20.5th ऑब्जर्वेशन। अब बच्चा थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये थोड़ा सा अलग है, 20.5 किन दोनों के बीच में आ रहा है पहले आपको वो देखना पड़ेगा, और आप जब गौर करोगे तो 20.5 किसी के बीच में आ रहा है
20 खुद एक ऑब्जर्वेशन है। तो जब भी किसी ऑब्जर्वेशन सीएफआई के 0.5 में ही कोई ऑब्जर्वेशन आ रहा है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा अपना वर्किंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। क्यों सर? सिंपल सी बात समझो, लॉजिकल बात समझो। 12 जो हमारा X12 है वो लास्ट 20th ऑब्जर्वेशन था, अब 21st ऑब्जर्वेशन आ गया है मेरा 13, और हमें चाहिए यहाँ पे 20.5, मतलब 20 और 21 का एवरेज चाहिए। मतलब हमें करना है 20th ऑब्जर्वेशन प्लस 21st ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। 20th ऑब्जर्वेशन हमें पता है दैट इज 12, तो 20th ऑब्जर्वेशन हमारा 12 हो गया। बट सर 21st ऑब्जर्वेशन 12 नहीं है, पिछले केस में हम अगर कुछ भी देखे पिछले केस में तो 38 वाज ए क्लियर कट ऑब्जर्वेशन और दोनों ऑब्जर्वेशन सेम थे, तो एवरेज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर 20.5 आया जहां पे 20th ऑब्जर्वेशन अलग है 21st ऑब्जर्वेशन अलग है विच इज 13, तो आपको दोनों का एवरेज निकालना पड़ेगा और आपका मीडियन आएगा 12.5। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चा लोग, मैं चाहूंगा आप इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट टिक कर ले एग्जाम में। अगर अभी तक मैं कुछ पूछ सकते तो ये क्वेश्चन 100% पूछेंगे जहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सो आपको ये 0.5 वाला काम कब कर ध्यान रखना होगा, जब भी किसी सीएफआई के आगे वाला 1.5 आ रहा है, जैसे कि 12.5 आया, 20.5 आया, 35.5 आया, 40.5 आया, राइट? तो आपको 40.5 तो आ ही नहीं सकता, आई एम सो सॉरी। सो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी इससे लगते 0.5 में कुछ आ रहा है, मतलब अगले नंबर को ऐड करके आपको एवरेज निकालना पड़ेगा। क्योंकि सर मेरा फिफ्थ ऑब्जर्वेशन तो 10th है, और अगर 5.5 बोलेंगे तो मेरा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन 10 नहीं है, वो हो जाता है 11, मतलब मुझे उन दोनों का एवरेज करना पड़ेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट बच्चा? चलिए यहाँ पे मेरा डिस्क्रीट का टॉपिक खत्म होता है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है दैट इज कंटिन्यूस सीरीज, ठीक है भैया? दिख गया कंप्यूटर में? दिख गया भैया? चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है दैट इज ऑल अबाउट कंटिन्यूस सीरीज, जहां पे सेम होता है बट यहाँ पे क्लासेस दी होती है। डिस्क्रीट जैसा ये फ्रीक्वेंसी है बट यहाँ पे हमें क्लास दी है। तो सर बेसिक फॉर्मूले से तो हमें क्लास मिलेगी, तो उस क्लास में से मीडियन कैसे निकालेंगे? तो आपको एक एडिशनल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ, जो मैंने ऊपर अपने चार्ट में पूरा मेंशन किया था। चलिए स्टार्ट करूंगा, पहले वर्किंग करना। वापस से हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास, क्वेश्चन पूरा लिखते हैं हमेशा से, राइट? सो क्लास है मेरा 0 से 39। अब आपका काम क्या रहता है, आप चाहो तो इसको सेम का सेम कॉपी कर लो, आप चाहो तो इसको एक्सक्लूसिव क्लास में कन्वर्ट करके कॉपी करो। मेरा पर्सनली मानना है इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करके ही कॉपी करना, राइट? सो हम स्टार्ट करेंगे -0.5 से लेके 39.5 तक, देन 39.5 से लेके 79.5, देन 79.5 से लेके 119.5, देन 119.5 से लेके 159.5, 159.5 से लेके 199.5। बच्चा लोग, हमने सीखा था हमारे पिछले चैप्टर्स के अंदर हाउ टू कन्वर्ट अ इंक्लूसिव क्लास इनटू एक्सक्लूसिव क्लास। हमने इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, स्टैटिस्टिक्स का कोई भी फॉर्मूला इंक्लूसिव क्लास पे नहीं लगता है। तो जब कभी भी आपको इस तरह की कोई इंक्लूसिव क्लास दी जाए, मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है पहले उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो। चलो मैंने एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट किया, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है मेरी 2, 14, 23, 7 और 4, राइट? अब मैं यहां लिखूंगा सी एफ आई 2, 2 प्लस 14, 16, 16 प्लस 23, 39, 39 प्लस 7, 46, एंड 46 प्लस 4, 50। दैट इज माई टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहां तक मेरा काम सिंपल हो गया। अब सबसे पहले हमें निकालना है मीडियन क्लास। फर्स्ट जॉब इज टू फाइंड मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फॉर्मूला रहता है जो हमने आज तक सिखा था वही है, प्लस बस आपको प्लस वन हटा देना है। मतलब आपका फॉर्मूला हो जाएगा एन बाई टू ऑब्जर्वेशन दैट इज 50/2 दैट इज 25th ऑब्जर्वेशन। ये जहां भी होगा दैट इज योर मीडियन क्लास, 25th ऑब्जर्वेशन इन दोनों के बीच में आ रहा है, नीचे वाले को ले लो, मतलब दिस बिकम्स योर मीडियन क्लास। ये हो जाता है आपका मीडियन क्लास। अब आगे का काम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब आपको क्लास पता चलेगी भैया आपका मीडियन 79.5 से लेके 119.5 के बीच का ही होगा, बट उनमें से कौन सा होगा वो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इन टू सी। आपको ये फॉर्मूला पुट ऑन करना है।
आपको अपने फाइनल आंसर्स निकालने के लिए। चलिए मैं स्टार्ट करूंगा। फॉर्मूला पुट ऑन कैसे करेंगे, इसमें कैसे कैसे वैल्यूज डालेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला होता है एल। एल का मतलब होता है लोअर बाउंड्री ऑफ द गिवन क्लास। हमारी गिवन क्लास है ये रे, इसकी लोअर बाउंड्री होता है 79.5। दिस बिकम्स माई एल। एन अपॉन टू हमने निकाला था, ये रहा एन अपॉन टू, दैट इज 25, ये आ गया 25। अब ध्यान रखना सी एफ आई लेते हैं प्रिसीडिंग क्लास की, जो हमारी क्लास से उससे पहले वाले क्लास की हम लेते हैं सी एफ आई, और फ्रीक्वेंसी एफ आई लेते हैं हम गिवन क्लास की। तो चलो सी एफ आई हो जाएगा 16 और एफ आई दैट इज फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 23। और फिर आता है सी। सी का मतलब होता है क्लास लेंथ। 119.5 माइनस 79.5 योर क्लास लेंथ विल बी 40, राइट बच्चा। सो आपका फॉर्मूला बन गया है 79.5 प्लस 25 माइनस 16 अपॉन 23 इंटू 40। अब आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, यू पीपल हैव कैलकुलेटर राइट, आप इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 95.15 एंड दिस बिकम्स योर मीडियन। क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाता है आपका मीडियन। और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा टॉपिक खत्म होता है। इसी के साथ आपका मीडियन पूरा रिवाइज हो गया। अगर आपने अच्छे से ये वीडियो देखा है तो आई प्रॉमिस यू कि अब आप मीडियन के एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, और आएगी तो आपका भाई आपके साथ है। कमेंट में जाके आराम से लिखिए, अब मैं आ गया हूँ, रेगुलर रहूंगा और मैं रोज 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 आपके लिए कुछ ना कुछ रिवीजन का डालूंगा। आप लोग के एग्जाम्स चल रहे होंगे अभी, तो सबको भैया ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, अपनी जो भी प्रॉब्लम से हमें कमेंट्स में बताते रहो, आपके सारे सॉल्यूशंस लेके सीएम मोहित तापड़िया आपका दोस्त, आपका मेंटोर आपके लिए आता रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।